स्टूडेंट्स, तो आज हम इंग्लिश मीडियम और उस सेमी इंग्लिश मीडियम में के जटे जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट लेसन यहाँ पे दिया गया है, जिसका नाम है जोन ऑफ आर्क, वो हम देखने वाले हैं। तो इंग्लिश मीडियम के टेक्स्ट बुक में 1.5 और सेमी और मराठी मीडियम के टेक्स्ट बुक में 4.5 ये लेसन आपको दिया गया है, जोन ऑफ आर्क। तो पहले समझ लेना है कि ये जो लेसन है ये लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये फेमस प्ले राइटर है आयरिश के, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में 1925 में। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी यहाँ पे दी गई है, इंस्पायरिंग स्टोरी यहाँ पे दी गई है। जॉन के बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जॉन जो है किसान की लड़की है, और फ्रेंच जो सोल्जर्स थे उनको लीड करने का काम इस लड़की ने किया था, जबकि उसकी उम्र ऐसा बताया जाता है कि 17 to 19 years की वो थी, 17 से 19 साल तक उसकी उम्र थी। और उस दरमियान फ्रेंच और इंग्लैंड में, मतलब ब्रिटिश में, जो भी वॉर मतलब वहां पे मतलब लड़े गए, वॉर हुए उनके बीच में, तो उनका नेतृत्व किया था जोन ने। तो देखेंगे अभी ये जोन ऑफ आर्क का एक पार्ट हमें यहाँ पे दिया गया है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो हम बिफोर स्टार्ट द लेसन सी द इंफॉर्मेशन अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस प्ले। द वॉर फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस फ्रॉम 1337 टू 1453 हैज कम टू बी नोन एज 100 years वॉर। तो इंग्लैंड और फ्रांस में 1337 से लेके 1453 तक जो वॉर वहां पे हुआ, उस वॉर को कहा जाता है 100 years वॉर। एंड जोन वॉज अ पीजन गर्ल, पीजन मतलब फार्मर, जोन जो है एक किसान की लड़की थी, इन ईस्टर्न फ्रांस, बॉर्न इन ईस्टर्न फ्रांस, हु लेड द फ्रेंच आर्मी, और ईस्टर्न फ्रांस में उसका जन्म हुआ था, जिसने फ्रेंच आर्मी को लीड किया था, उसका नेतृत्व किया था फ्रेंच आर्मी टू सेवरल विक्ट्रीज ड्यूरिंग दिस वॉर। और इस वॉर में उसने बहुत सारी जीत फ्रेंच जो सोल्जर्स थे उनको दिलाई थी। दिस प्ले बिगिंस एट द टाइम व्हेन ऑल द नॉर्दर्न फ्रांस एंड सम पार्ट्स ऑफ द साउथ वेस्ट वर अंडर फॉरेन कंट्रोल। इस नाटक की शुरुआत वहां से होती है जब फ्रांस, नॉर्दर्न फ्रांस और साउथ वेस्ट का कुछ पार्ट जो था फ्रांस का, वो फॉरेन अंडर फॉरेन कंट्रोल था, तो उसके ऊपर कुछ फॉरेन लोगों के, फॉरेनर्स का मतलब कंट्रोल था, उनके कब्जे में था वो पार्ट। द इंग्लिश कंट्रोल्ड सम पार्ट्स एंड बर्गेंडियंस कंट्रोल्ड द अदर्स। फ्रांस का कुछ पार्ट जो था वो ब्रिटिश लोगों के हाथ में था, उनके कब्जे में था, तो कुछ पार्ट जो है वो बर्गेंडियंस नाम के जो यूरोपियंस थे उनके मतलब पास था, उनके कब्जे में था। द सिटी ऑफ न्यू ऑर्लियंस, वन ऑफ द फ्यू रिमेनिंग फ्रेंच सिटी, वॉज हेल्ड बाय द ब्रिटिश। ओके, तो उसमें एक सिटी थी न्यू ऑर्लियंस करके फ्रांस में, और इस सिटी के ऊपर अभी कब्जा कर लिया है ब्रिटिश लोगों ने, इंग्लिश ने। द ईयर इज 1429, और वो साल था 1429 का। कैप्टन रॉबर्ट दी बॉड्रीकोर्ट, अ मिलिट्री ऑफिसर, और फ्रांस के जो मिलिट्री ऑफिसर है जिनका नाम है कैप्टन है वो खुद रॉबर्ट डी बॉड्रीकोर्ट, तो ये सीटेड एट द टेबल, एक टेबल के पास वो बैठे हैं, एंड स्टीवर्ड स्टैंडिंग फेसिंग हिम, और उनके जो स्टीवर्ड है, जो सेवक है, उनकी तरफ मुंह करके मतलब खड़े हैं। ये था बैकग्राउंड। अब यहां से शुरुआत होती है प्ले को, नाटक को। तो शुरू करते हैं हम जोन ऑफ आर्क। सी, रॉबर्ट सेज, आई टोल्ड यू टू थ्रो द गर्ल आउट। मैंने तुम्हें कहा था कि इस लड़की को यहां से हकाल दो, थ्रो आउट, हकाल देना। मैंने कहा था तुमसे, रॉबर्ट कहता है कि इस लड़की को यहां से हकाल दो। यू हैव 50 armed soldiers, और तुम्हारे पास 50 armed soldiers थे। आर्म सोल्जर का मतलब द सोल्जर्स, जिसके पास, जिनके पास क्या होता है, वेपन्स होते हैं, उन्हें आर्म सोल्जर्स कहा जाता है। तो आर्म सोल्जर्स मैंने दिए थे, वेपन के साथ मैंने सोल्जर्स तुम्हारे साथ दिए थे, एंड डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स
और dozens of strong servants भी, strong सैनिक भी मैंने तुम्हारे साथ दिए थे, किस लिए? टू कैरी आउट माई ऑर्डर, मेरे ऑर्डर कैरी आउट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, उसे अमल में लाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या दिया था? 50 आर्म्ड सोल्जर्स थे, dozens of several क्या थे? सैनिक थे. आर दे अफ्रेड ऑफ हर? और फिर रॉबर्ट पूछता है, क्यों ये सारे के सारे लोग उस लड़की से डर गए क्या? तो स्टीवर्ट कहते हैं, नो सर, नहीं सर, वी आर अफ्रेड ऑफ यू, हम आपसे डरे थे, हम आपसे डरते हैं. बट शी पुट्स करेज इन अस, लेकिन उस लड़की में कुछ ऐसा है कि उसने हमारे अंदर क्या किया है? करेज डालने का काम किया है, हमारे अंदर हिम्मत तैयार करने का काम उस लड़की ने किया है. शी रियली डजंट सीम टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. और ऐसा लगता है उसके उसके तरफ देखने के बाद कि वो किसी भी चीज से नहीं डरती है, ऐसा उसके तरफ देखने के बाद लगता है. परहैप्स यू कुड फ्राइटन हर सर. और फिर स्टीवर्ड कहते हैं रॉबर्ट को कि परहैप्स मे बी, ऐसा हो सकता है सर, यू कुड फ्राइटन हर सर, कि सर आप उसे डरा सके, आप डरा सकते हो उसको, ऐसा लगता है. तो रॉबर्ट जो है ग्रीमली सीरियसली कहते हैं परहैप्स वेर इज शी नाउ, अच्छा मे बी, ऐसा हो सकता है कि मैं उसे डरा सकता हूं, कहां है वो लड़की? तो स्टीवर्ड कहते हैं डाउन इन द कोर्ट यार्ड सर. सर वो नीचे है कोर्ट यार्ड में, आंगन में खड़ी है नीचे. रॉबर्ट गोज टू द विंडो. रॉबर्ट विंडोज के पास, विंडो के पास जाते हैं एंड आस्क द सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप, एंड आस्क द सोल्जर्स टू सेंड द गर्ल अप. और सोल्जर जो नीचे खड़े उनको कहते हैं कि उस लड़की को तुम ऊपर भेज दो. द गर्ल एंटर्स. अब वो लड़की अंदर आ जाती है. शी इज वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग कंट्री गर्ल. और वो कैसी है? स्ट्रॉन्ग बिल्ट है, स्ट्रॉन्ग गर्ल है. और कंट्री गर्ल कहा गया है, कंट्री गर्ल मतलब जो लड़की रूरल एरिया में रहती है, गांव में रहती है, ऐसी वो लड़की है जो स्ट्रॉन्ग है. अब 17 to 18 ईयर्स. और उसके तरफ देखने के बाद ऐसे लगता है कि उसकी उम्र जो है 16 से 17 साल के दरमियान होगी. द स्क्वायर्स ग्लेयर नाइदर फ्राइटन्स हर नॉर स्टॉप्स हर. और फिर जो स्क्वायर है तो उनकी जो नजर है वो नजर से वो डरती भी नहीं और रुकती भी नहीं है. रॉबर्ट उसकी तरफ क्या करते हैं? गुस्से से देखते हैं, लेकिन उस वो जो गुस्से वाली जो नजर है उससे वो डरती भी नहीं है और रुकते भी नहीं है. शी स्पीक्स कॉन्फिडेंटली. और वो रॉबर्ट के साथ कॉन्फिडेंटली बात करना शुरू कर देती है, बोलना शुरू कर देती है. तो क्या कहती है? देखो ये लड़की है जोन. जोन क्या कहती है वो हम देखेंगे. वो कहती है गुड मॉर्निंग. वो कहती है गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर. तो सबसे पहले वो रॉबर्ट को ग्रीट करती है, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वायर. तो कैप्टन स्क्वायर मैं आपको मतलब अभिवादन करती हूं, गुड मॉर्निंग कर दी मतलब कह दिया है उसको. यू आर टू गिव मी अ हॉर्स एंड आर्मर. आप मुझे एक घोड़ा दे दो और एक आर्मर दे दो. आर्मर का मतलब प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग ऑफ मेटल और लेदर वोन इन अ बैटल्स ऑफ सोल्जर्स इन फॉर्मर टाइम्स. तो पिछले जमाने में, बहुत पुराने जमाने में जब वॉर शुरू हो जाता था तो जो सोल्जर्स रहते थे वो मेटल का बनाया हुआ एक ड्रेस या लेदर से बनाया हुआ जो ड्रेस है वो मतलब वेयर करते थे, उसे कहा जाता था आर्मर. तो जोन ने क्या डिमांड की है? देखो जोन कहती है कि स्क्वायर आप मुझे एक घोड़ा दे दो और एक आर्मर दे दो, एक चिलखत दे दो, एंड सम सोल्जर्स और कुछ सोल्जर्स मेरे साथ दे दो, एंड सेंड मी टू द डॉफिन और मुझे डॉफिन के पास भेज दो, डॉफिन की तरफ भेज दो. अब ये डॉफिन क्या है? देखो डॉफिन का मतलब यहां पे है द ओल्डेस्ट सन ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस. फ्रांस के जो राजा थे उनका बड़ा बेटा था जिसका नाम था डॉफिन. ओके द वन हु वुड बिकेम द किंग आफ्टर हिज फादर. और डॉफिन कौन है? उसके पिताजी के बाद वो फ्रांस का राजा बनने वाला है. तो आप मुझे ये तीन चीजें दे दो. कौन कौन सी? एक घोड़ा दे दो, एक आर्मर दे दो, कुछ सैनिक दे दो और मुझे डॉफिन के पास, डॉफिन की तरफ भेज दो. तो इसके ऊपर रॉबर्ट कहता है दिस गर्ल इज मैड. ये लड़की तो पागल है. व्हाई डिडंट यू टेल मी सो यू ब्लॉकहेड.
और स्टीवर्ड को वो कहते हैं कि स्टूपिड, ब्लॉकहेड का मतलब होता है स्टूपिड, पागल इंसान, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यह लड़की पागल है। उसे पागल क्यों कहा है कि रॉबर्ट को लगता है कि ये पागल की तरह बात कर रही है, 17-18 साल की उम्र वाली लड़की क्या ब्रिटिश लोगों के साथ लड़ेगी, और क्या मांग रही है तो एक आर्मर मांग रही है, एक घोड़ा मांग रही है और कुछ सोल्जर्स, इसलिए वो उसे लगता है कि ये लड़की पागल है। तो वो जो स्टीवर्ड है उनके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि यू स्टूपिड, यू ब्लॉकहेड, तुमने मुझे बताया ना ये लड़की पागल है। तो स्टीवर्ड कहते हैं सर डू नॉट एंगर हर, साहब उसके ऊपर मत चिल्लाइए, आप गुस्सा मत होइए उसके ऊपर, गिव हर व्हाट शी वांट्स, उस लड़की को जो भी चाहिए ना आप दे दीजिए। रॉबर्ट कहते हैं आई शैल सेंड यू बैक टू योर फादर विद ऑर्डर्स टू पुट यू अंडर लॉक एंड की। तो इसके ऊपर रॉबर्ट कहते हैं उस लड़की को, जोन को, कि मैं तो अभी तुमको तुम्हारे पिताजी के पास भेजने वाला हूं और ये ऑर्डर भी देने वाला हूं कि तुम्हें घर में बंद करके रखे और उस घर को बाहर से ताला लगा दे। तो इसके ऊपर जोन कहती है यू थिंक यू विल स्क्वायर, आपको ऐसे लगता है स्क्वायर कि आप ऐसा कर सकते हैं, बट इट वॉन्ट हैपन, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ओके, इट वॉन्ट, बट इट वॉन्ट हैपन दैट वे, इस तरह से ये होने वाला नहीं है। तो ये क्यों कहा है उसने, देखो यू सेड यू वुड नॉट सी मी, क्योंकि इससे पहले आपने कहा था कि आप मुझसे नहीं मिलेंगे, बट हियर आई एम, लेकिन अब तो मैं आपके सामने हूं। तो देखो इसमें क्या होता है कि जोन का पूरा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। वो रॉबर्ट को जवाब देती है, क्या जवाब देती है कि जब रॉबर्ट कहते हैं कि मैं तुम्हें यहां पे घर पे भेज दूंगा, तुम्हारे पिताजी को बोलूंगा कि इसको लॉक कर दे घर में और क्या करो, इसको बंद कर दो घर में, ये बाहर ना निकल पाए, तो वो इतने कॉन्फिडेंस है, तो वो कॉन्फिडेंट है, वो बोलती है कॉन्फिडेंटली कि तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा तुम्हें लगता है स्क्वायर, क्योंकि तुमने तो पहले कहा था कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे, लेकिन आप तुम मुझे मिले हो, मैं तुम्हारे सामने हूं। और फिर रॉबर्ट कहता है सो यू आर अज्यूमिंग दैट आई विल गिव यू व्हाट यू वांट, अच्छा तो तुम ऐसे मान के चली हो कि जो भी तुम्हें लगने वाला है, जो भी तुझे लगेगा वो मैं तुझे दूंगा, ये तुम मान के चल रही हो, मतलब तुमने मुझे अज्यूम किया है ऐसे कि जो तुम डिमांड करोगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो जोन उसके ऊपर कहती है, जोन कहती है यस स्क्वायर, हाँ सर, और कंटिन्यू ब्यूजली, वो फास्टली फिर बोलने लगती है अ हॉर्स विल कॉस्ट 16 फ्रैंक्स। देखो रॉबर्ट सर के स्क्वायर की एक घोड़े की कीमत होती है 60 फ्रैंक्स। अब फ्रैंक्स क्या है, फ्रैंक्स करेंसी है फ्रांस की, तो एक घोड़ा जो है उसकी कीमत है 60 फ्रैंक्स, इट इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, और 60 फ्रैंक्स जो है वो बहुत बड़ी अमाउंट है, बट आई कैन सेव इट ऑन द आर्मर, लेकिन मैं वो बचा सकती हूं आर्मर के ऊपर, मतलब आर्मर के ऊपर जो खर्चा होने वाला है वो उससे मैं वो कॉस्ट बचा सकती हूं। आई डोंट नीड ब्यूटिफुल आर्मर मेड बाय माई मेजर, और मुझे कोई सुंदर सा ऐसा आर्मर नहीं चाहिए, सुंदर सा ऐसा वो ड्रेस नहीं चाहिए कि जो मुझे फिट हो वगैरह, या मेरा मेजरमेंट देके मतलब वो ड्रेस तुम तैयार करो मेरे लिए, तो ऐसा ड्रेस आर्मर मुझे नहीं चाहिए, चिलखत वैसी नहीं चाहिए। आई कैन फाइंड अ सोल्जर्स आर्मर दैट विल फिट मी इनफ, तो मैं किसी और सोल्जर्स की, सोल्जर जो होगा उसकी वो आर्मर ढूंढ लूंगी कि जो मुझे फिट आती हो। I shall not want many soldiers. और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे ज्यादा soldiers भी नहीं चाहिए। The dauphin will give me, क्योंकि वहां जाने के बाद dauphin मुझे soldiers देने वाला है। All I need, मतलब जो जरूरत है मेरी, जो भी मुझे लगने वाला है वो सब dauphin देने वाला है। To free Orleans, किस लिए देने वाला है वो? जो Orleans, जो ब्रिटिश लोगों के कब्जे में हमारा जो रीजन है उसे फ्री करने के लिए, उसे स्वतंत्रता दिलाने के लिए। तो रॉबर्ट शॉक्ड हो जाता है ये सुनने के बाद, और वो बोलता है टू फ्री ऑर्लियंस, ऑर्लियंस नाम का जो शहर है वो फ्री करने के लिए डॉफिन तुझे मदद करने वाला है। तो जॉन सिंपली एकदम सहजता से कहती है, सहज से एकदम इजीली, यस स्क्वायर, हाँ सर, 3 men विल बी इनफ फॉर यू टू सेंड विद मी, अगर 3 लोग भी तुम मेरे साथ भेजोगे ना तो वो मेरे लिए सफिशियंट रहेंगे, 3 लोग चाहिए मेरे साथ मुझे, पॉली, पॉली एंड जैक हैव प्रॉमिस्ड टू कम विद मी, और वैसे भी पहले से ही पॉली और जैक ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मेरे साथ आने वाले हैं।
तो दो सोल्जर्स ऑलरेडी रेडी है, पॉली एंड जैक, वो मेरे साथ आने वाले हैं। तो रॉबर्ट ये सुनने के बाद कहते हैं, यू मीन मॉन्सियर द पोलेंसी, क्या कहते हो? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मॉन्सियर, मॉन्सियर मतलब हमारे यहाँ पे हम मिस्टर कहते हैं, मिस्टर द पोलेंसी तुम्हारे साथ आने वाले हैं? जॉन कहती है, यस स्क्वायर, जैक विल कम, केम विलिंगली। हाँ स्क्वायर, जैक अपने मन से आने वाला है, विलिंगली मीन्स बाय हार्ट, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, वो अपने मन से मेरे साथ आना चाहता है। ही इज अ वेरी काइंड जेंटलमैन, और वो बहुत ही मतलब दयालु है। एंड गिव मी मनी टू गिव टू द पुअर, और उसने मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं, और उसने कहा है कि ये पैसे मैं गरीबों में बांट दू, गरीबों को देने के लिए। आई थिंक जॉन गॉडसे विल कम, मुझे ऐसा लगता है कि जॉन गॉडसे भी मेरे साथ आने वाले हैं। एंड डिक द आर्चर, और डिक नाम का जो आर्चर है, जो धनुर्धारी है, तीरंदाज है, वो भी मेरे साथ आने वाला है। एंड देयर सर्वेंट्स, और उनके सर्वेंट्स भी, जॉन ऑफ होनकोर्ट एंड जूलियन, और होनकोर्ट के जॉन और जूलियन ये भी मेरे साथ आएंगे ऐसा मुझे लगता है। आई हैव अरेंज्ड इट ऑल, मैंने सब तैयारी कर ली है, इसकी सब व्यवस्था कर ली है। यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर, आपको मुझे सिर्फ ऑर्डर करना है, आप मुझे सिर्फ ऑर्डर दे दो। तो इसके ऊपर रॉबर्ट टू द स्टीवर्ड अपने नौकर की तरफ देख के कहता है, इज इट ट्रू अबाउट मॉन्सियर द पोलेंसी, मॉन्सियर द पोलेंसी के बारे में यह लड़की जो बात कर रही है वो सही है क्या, सच है क्या? तो स्टीवर्ड कहते हैं ईगरली, यस सर, हाँ सर। एंड अबाउट मॉन्सियर द मेट्स टू, और इतना ही नहीं, मेट्स, मॉन्सियर द मेट्स भी जाने वाले हैं, दे बोथ वॉन्ट टू गो विद हर, और ये दोनों के दोनों इस लड़की के साथ जाने वाले हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं, गोज टू द विंडो, वो विंडो के पास जाते हैं, एंड शाउट्स इन द कोर्ट यार्ड, और आंगन की तरफ देख के चिल्लाते हैं जोर से, सेंड मॉन्सियर द पोलेंसी टू मी, जल्दी से मॉन्सियर द पोलेंसी को मेरे पास भेज दो, विल यू? तो ऑर्डर कर देते हैं। ही टर्न्स टू जॉन, और उसके बाद वो जॉन की तरफ टर्न हो जाते हैं, और उसे कहते हैं, गेट आउट एंड वेट इन द कार, वेट इन द यार्ड, तुम यहां से जाओ अभी, और यार्ड में इंतजार करो, यार्ड में रुको, आंगन में रुको। जॉन स्माइलिंग ब्राइटली आई थिंक, वो उसकी तरफ देख के हंसती रॉबर्ट की तरफ, राइट स्क्वायर, और उसे कहती ठीक है स्क्वायर, और वो चली जाती है। फिर रॉबर्ट स्टीवर्ड की तरफ देख के बोलता है, गो विद हर, जाओ उसके साथ जाओ, स्टे विद इन कॉल, और मैं जब तुम्हें मतलब इतने दूर मत जाओ, क्योंकि मैं जब तुम्हें पुकारूंगा तो मेरी आवाज तो तुम तक पहुंचनी चाहिए, तो स्टे विद इन अ कॉल, मेरी आवाज तुम तक पहुंचेगी उतने ही दूर तुम रुको, कीप यूर आईज ऑन हर, और तुम्हारी नजर रखो उस लड़की के ऊपर, उस लड़की के ऊपर ध्यान रखो। I shall have her up here again, क्योंकि मैं उसे फिर से ऊपर बुलाने वाला हूं। The steward retreats hastily, steward जल्दी से वहां से चला जाता है। And Bertrand the पोलेंसी, a French guard, enters, salutes and stands waiting। पोलेंसी आते हैं, वो गार्ड है, और French guard enters करते हैं, salute करते हैं, और stands waiting, राह देखते हैं। उसके बाद रॉबर्ट कहते हैं, she says you, Jack and Dick have offered to go with her। वो लड़की कह रही थी कि तुम खुद मतलब पोलेंसी, तुम खुद, जैक और डिक, तुम तीनों के तीनों उस लड़की के साथ जाना चाहते हो। What for? किस लिए जाना चाहते हो? Do you take her crazy idea of going to the dolphin seriously? डॉफिन जाने की उसकी पागलपन की जो आइडिया है, उसकी जो विचित्र कल्पना है, उसके ऊपर तुमने विश्वास रख लिया कि वो उसको सीरियसली ले लिया तुमने, वो तो पागल है लड़की, तो उसके पागलपन की जो क्रेजी आइडिया है तो उसको तुमने सीरियसली ले लिया है क्या, डॉफिन को जाने के लिए, मतलब डॉफिन के पास जाने के लिए? तो पोलेंसी स्लोली कहता है, देयर इज समथिंग अबाउट हर, उस लड़की में कुछ तो है सर, इट मे बी वर्थ ट्राइंग। तो ट्राई करने में क्या हर्ज है? तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, हम ट्राई करके देखेंगे। ओके तो रॉबर्ट कहता है, ओ कम ऑन पॉली, यू मस्ट बी आउट ऑफ यूर माइंड, ओ कम ऑन पॉली,
तू भी मतलब पागल हो चुका है, तू भी पागल हो गया है उसके, मतलब तू आउट ऑफ माइंड मीन्स बिकम मैड, तो तू भी पागल हो चुका है। तो रॉबर्ट कहता है, रॉबर्ट कहने के बाद पॉलिन जी कहते हैं अनमूड, वो विचलित नहीं होते हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद इट, उसमें गलत क्या है सर? द डॉफिन इज इन शिनॉन, हमारा जो डॉफिन है वो कहां पे? वो शिनॉन में है। शिनॉन क्या है? वन ऑफ द सिटीज इन फ्रांस वेयर द रॉयल फैमिली रिसाइडेड ड्यूरिंग द 100 ईयर्स वॉर। ये 100 ईयर्स का वॉर जब चल रहा था तो फ्रांस की जो पूरे राजघराना जो था वो वहां पे जाके छुप गया था, एंड द डॉफिन टुक रेफ्यूज इन शिनॉन, और डॉफिन ने भी क्या किया था, वहां पे आश्रय लिया था। ओके, तो शिनॉन नाम का जो शहर है, मतलब वहां पे कौन रुका है? हमारा राजकुमार रुका है, मतलब कौन? डॉफिन। तो डॉफिन इज इन शिनॉन लाइक अ रैट इन अ कॉर्नर एक्सेप्ट दैट ही वोंट फाइट। देखो तो डॉफिन भी एक चूहे की तरह शिनॉन में बिल में जाके छुप गया है, चूहे जैसा, और वो वैसे भी लड़ेगा नहीं। द इंग्लिश विल टेक ऑर्लियंस, और इंग्लिश मतलब ब्रिटिश सोल्जर जो है वो ऑर्लियंस जीतने वाले है। ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, और अकेला हमारा जो डॉफिन है वो उनको नहीं रोक सकता है, ब्रिटिश को नहीं रोक सकता है, ब्रिटिश सोल्जर्स को। तो रॉबर्ट कहता है ही बीट द इंग्लिश द ईयर्स बिफोर लास्ट एट मॉन्ट्रेंजिस, आई वॉज विद हिम। तो रॉबर्ट उनको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं। देखो रॉबर्ट कहते हैं ही बीट द इंग्लिश द ईयर बिफोर द लास्ट एट मॉन्ट्रेंजिस। ओके, तो पिछले साल के पहले साल में मॉन्ट्रेंजिस में ब्रिटिश लोगों के साथ जो वॉर हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, तो हमारे राजकुमार ने उनका उनको हरा दिया था। मतलब किसने? डॉफिन ने ब्रिटिश लोगों को हरा दिया था। आई वॉज विद हिम, मैं उनके साथ था। बट दिस टाइम, पॉलिन जी कहते हैं, बट दिस टाइम हिज मेन आर कोर्ट, लेकिन इस बार उनके जो लोग हैं उनके साथ वो डर गए हैं, वो डर चुके हैं, वो डर रहे हैं। एंड नाउ ही कांट वर्क मिरेकल, और वो अब कुछ चमत्कार नहीं दिखा सकता है, वो जो है वो चमत्कार नहीं दिखा सकता है। कौन? जो डॉफिन है वो कुछ चमत्कार नहीं दिखा सकता है। उसके बाद एंड आई टेल यू दैट नथिंग कैन सेव आवर साइड नाउ बट अ मिरेकल, और मैं तुमको ये बोलना चाहूंगा कि कोई चमत्कार ही होगा जो अब हमें बचा सकता है। अगर फ्रेंच सोल्जर्स को कोई बचा सकता है, फ्रांस को कोई बचा सकता है, तो कोई चमत्कार ही होगा जो बचाएगा हमें। उसके बाद रॉबर्ट कहते हैं मिरेकल्स आर ऑल राइट पॉली, पॉली ये चमत्कार वगैरह सब ठीक है, द ओनली डिफिकल्टी अबाउट देम इज दैट दे डोंट हैपन नाउअडेज। लेकिन चमत्कार के बारे में जो आज एक डिफिकल्टी है, एक परेशानी है कि आजकल चमत्कार हो नहीं रहे, यह सबसे मुश्किल बात है। तो पॉलिन जी कहते हैं आई यूज टू थिंक सो, मैं भी ऐसे ही सोचता था, आई एम नॉट सो श्योर नाउ, अब मुझे यकीन नहीं है पूरी तरह से, बट आई एम नॉट सो श्योर नाउ, तो अभी मुझे यकीन नहीं पूरा। देयर इज समथिंग अबाउट हर, लेकिन उस लड़की में कुछ तो है, आई थिंक द गर्ल इज अ बिट ऑफ मिरेकल, मुझे तो ऐसे लगता है कि वो लड़की ही एक चमत्कार है। एनी हाउ दिस इज आवर लास्ट चांस, ठीक है ये हमारा लास्ट चांस है, लेट अस सी व्हाट शी कैन डू, तो चलो देखते हैं कि वो लड़की मतलब क्या कर सकती है। तो इसके ऊपर रॉबर्ट जो है वो हेजिटेट होते हैं, वेवरिंग होते हैं। तो रॉबर्ट उससे पूछते हैं फिर पॉलिन जी को, यू रियली थिंक दैट, तुम सच्चे में ऐसे सोचते हैं कि वो लड़की कुछ चमत्कार कर सकती है? तो पॉलिन जी कहते हैं टर्निंग होके, इज देयर एनीथिंग एल्स लेफ्ट फॉर यूज टू थिंक, सोचने के अलावा हमारे पास कुछ बचा भी है अभी? लेट अस टेक अ चांस, तो चांस लेने में क्या हर्ज है, ट्राई करने में क्या हर्ज है? हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी, क्योंकि उसके जो वर्ड है, उसका जो बोलना है ना, उस बोलने की वजह से वो उसने मुझे इंस्पायर किया है, एंकरेज किया है, पुट फायर मतलब मुझ में ज्वाला जगाने का काम, मुझको इंस्पायर करने का काम उस लड़की ने किया है।
तो रॉबर्ट हार मानते हुए कहते हैं, व्यू ठीक है, यू आर एज मैड एज शी इज, तो लड़की जैसे पागल है उसकी तरह तू भी पागल हो चुका है, अभी तू भी पागल है। तो पॉलिन जी ऑब्स्टिनेटली कहते हैं, तो ऑब्स्टिनेटली का मतलब क्या होता है, जिद से, वो कहते हैं जिद है उसकी, वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ, ठीक है, तो हमें और पागल, कुछ और पागल लोगों की जरूरत है। पॉलिन जी रॉबर्ट को कहते हैं, तो पागल लोगों को लोग क्यों कहा है उसने, क्योंकि पॉलिन जी को पहले रॉबर्ट ने क्या कहा था कि तुम भी जॉन जैसे पागल हो, तो इसलिए पॉलिन जी कहते हैं ठीक है अब मुझे और थोड़े से पागल लोगों की और जरूरत है, और उसके बाद सी वेयर द सेन वंस हैव लैंडेड अस, और वैसे भी जिसे हम होशियार कहते थे, जो लोग जो होशियार हम कहलाते थे, वो हमें कहां लेके आए हैं वो तो हम देख ही रहे हैं यहां पे, तो उन्होंने हमें क्या किया है, उन्होंने हमारा फ्रीडम पूरी तरह से क्या किया है, पूरी तरह से हमारा फ्रीडम वहां पे जो छीन लिया है, ओके लाइक दैट। एंड देन उसके बाद रॉबर्ट कहते हैं आई फील लाइक अ फूल, मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि मैं भी पागल हूं, स्टिल इफ यू फील श्योर, और फिर भी अगर तुझे यकीन हो तो ठीक है। और फिर पॉलिन जी कहता है आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू शिनॉन अनलेस यू स्टॉप मी, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपने मुझे नहीं रोका तो मैं डेफिनेटली उसको शिनॉन तक लेके जाऊंगा। और उसके बाद फिर देखो क्या हुआ है, रॉबर्ट कहते हैं डू यू थिंक I ought to have another talk with her. अब रॉबर्ट कहते हैं तुझे ऐसा लगता है पॉलिन जी कि मुझे फिर से उस लड़की के साथ थोड़ी बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए उसके साथ। तो पॉलिन जी कहते हैं गोइंग टू द विंडो, वो डायरेक्ट विंडो के पास जाते हैं और कहते हैं यस जॉन कम अप, आओ जॉन ऊपर आ जाओ, और जॉन अंदर आ जाती है। तो पॉलिन जी कहते हैं एकदम सीरियसली कहते हैं पॉलिन जी बी सीटेड जॉन, तो जॉन जैसे आती तो उसको कहते चलो बैठ जाओ जॉन। तो रॉबर्ट कहते हैं पहले, रॉबर्ट उसको पहले उसका नाम पूछते हैं, रॉबर्ट पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो जॉन आंसर देती है दे ऑलवेज कॉल्ड मी जेनी इन लॉरेन, तो लॉरेन जो रीजन है फ्रांस का, तो उस लॉरेन में लोग मुझे जेनी के नाम से जानते हैं। हियर इन फ्रांस, अगर फ्रांस की बात करूं, आई एम जॉन, लोग मुझे जॉन के नाम से जानते हैं। The soldiers called me the maid, और जो soldiers है, जो सैनिक है, वो मुझे maid, helper के नाम से जानते हैं, maid के नाम से जानते हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं How old are you? तुम्हारी उम्र क्या है? What is your age? Okay, how old are you? तो जॉन कहती है 17, 17 साल। So they tell me, तो उन्होंने ऐसे कहा था कि मैं 17 साल की हूँ। It might be 19, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी उम्र जो है वो 19 years की हो, 19 की हो, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे कुछ याद नहीं है। देन रॉबर्ट कहते हैं आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सेज इज एज इजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मीडो, तुझे क्या लगता है, रॉबर्ट कहते हैं अभी जॉन को, फिर से उसे अभी वो परिश्रम करने का काम कर रहे, कन्विंस करने का काम कर रहे कि तुम वहां पे मत जाओ, ब्रिटिश लोग कितने खतरनाक है वो बताने की रॉबर्ट अब कोशिश करते हैं। तो रॉबर्ट कहते हैं तुझे क्या लगता है ब्रिटिश सोल्जर्स को सीज करना, उनको घेर लेना किसी मीडो में गाय का पीछा करने इतना इजी है, कोई ग्रासी लैंड है उसमें गाय जो है वो ग्रेजिंग कर रही है, उसके पीछे उसका पीछा करना इतना इजी काम है क्या ब्रिटिश लोगों को सीज करना, घेर लेना, यू थिंक सोल्जरिंग इज एनीबॉडी जॉब, तुझे क्या लगता है कि कोई भी युद्ध कर सकता है, कोई भी वॉर कर सकता है। तो जॉन कहती है I don't think it can be very difficult. मुझे नहीं लगता कि यह काम इतना difficult है, इतना कठिन है। If God is on your side, कब? अगर भगवान तुम्हारे साथ हो, ईश्वर तुम्हारे साथ हो, तो यह काम इतना difficult है ऐसा मुझे लगता नहीं। जॉन कहती है रॉबर्ट को, रॉबर्ट को। तो रॉबर्ट फिर से ग्रीनली कहते हैं, एकदम स्ट्रिक्टली कहते हैं, Have you ever seen English soldiers fighting? इंग्लिश लश्कर को, इंग्लिश सोल्जर्स को कभी तुमने लड़ते हुए देखा है क्या? कौन बोल रहे हैं? रॉबर्ट। किसको? जॉन को। इंग्लिश सोल्जर्स को कभी तुमने लड़ते हुए देखा है? हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग, बर्निंग, टर्निंग द कंट्री साइड इन टू अ डेजर्ट?
कभी तुमने ब्रिटिश सोल्जर्स को प्लंडरिंग लूटमार करते हुए, बर्निंग कुछ जलाते हुए, टर्निंग द कंट्री साइड इंटू अ डेजर्ट और किसी गांव को वीरान बनाते हुए देखा है तुमने? हैव यू हर्ड नो टेल्स, हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ देयर प्रिंस हु इज अ डेविल हिमसेल्फ? और उनका जो प्रिंस है, राजपुत्र है, जो खुद एक क्रूएल पर्सन है, उसकी स्टोरीज तुमने सुनी नहीं है क्या? और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर, और इंग्लिश जो ब्रिटिश किंग है उसके फादर के बारे में जो स्टोरीज है, जो टेल्स है, वो तुमने पढ़ी नहीं क्या? तो जॉन कहती है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड स्क्वायर। रॉबर्ट को कहती है कि स्क्वायर तुम समझ नहीं रहे हो, आवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटन। हमारे फ्रेंच सोल्जर जो है वो हमेशा हारते हुए आए हैं, बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स। क्योंकि वो सिर्फ किस लिए लड़ते थे? खुद को बचाने के लिए। टू सेव देयर स्किन्स मीन्स टू सेव देयर लाइव्स। हमारे फ्रेंच सोल्जर्स आज तक सिर्फ खुद की जान बचाने के लिए लड़ते आए हैं, इसलिए वो हारते आए हैं। एंड द शॉर्टेस्ट वे टू सेव यूर स्किन इज टू रन अवे। और अगर खुद को बचाना है तो उसका सबसे शॉर्टेस्ट वे क्या है? सबसे शॉर्टकट है कि भाग जाना, अगर खुद की जान बचाना है तो। बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस। लेकिन अब मैं उन्हें फ्रांस के लिए लड़ना सिखाने वाली हूं। वो फ्रांस के लिए लड़ेंगे और वो मैं उन्हें सिखाने वाली हूं। देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक अ शीप, लाइक शीप। और फिर देखो, शीप को जैसे हकलते हैं ना, वैसे हम क्या करेंगे, हमारे सोल्जर्स ब्रिटिश को यहां से हकल देंगे। एंड यू एंड पॉली विल लिव टू सी द डे व्हेन देयर विल नॉट बी अ सिंगल इंग्लिश सोल्जर्स ऑन द सॉइल ऑफ फ्रांस। और इस फ्रांस के भूमि में एक भी ब्रिटिश सोल्जर यहां पे नहीं रहेगा, वो देखने के लिए तुम और पॉली यहां पे रहने वाले हो। और फिर रॉबर्ट पॉलिंजी से कहता है, दिस मे ऑल बी नॉनसेंस, ये सब पागलपन की बातें हैं पॉली, ये सब पागलपन है, सब निरर्थक है, सब नॉनसेंस है। बट द ट्रूप्स माइट बी जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय दो नथिंग दैट वी से सीम टू पुट माय फायर इनटू देम। लेकिन जो सोल्जर्स है, ट्रूप्स का मतलब यहां पे लेना है सोल्जर्स, माइट बी इंस्पायर्ड बाय इट। हमारे सोल्जर्स माइट मतलब ऐसे में भी ऐसे हो सकता है कि वो इससे इंस्पायर हो जाए, दो नथिंग दैट वी से सीम टू पुट एनी फायर इनटू देम। अगर ये लड़की उनमें कोई फायर जगा देती है तो, उनको इंस्पायर करती है तो, इवन द डॉफिन माइट बिलीव इट। और इतना ही नहीं तो डॉफिन भी मतलब इसके ऊपर विश्वास कर सकता है। एंड इफ शी कैन पुट सम फायर इनटू हिम, और अगर ये लड़की डॉफिन में कुछ फायर मतलब उसने जला दिया, उसको अगर इंस्पायर कर दिया, एंकरेज कर दिया, शी कैन पुट इट इनटू एनीबॉडी, तो किसी को भी ये लड़की इंस्पायर कर सकती है। देन रॉबर्ट टर्निंग टू जॉन, जॉन की तरफ मुड़ के कहता है, नाउ यू, अब तुम, लिसन टू मी एंड डोंट कट इट बिफोर, और मेरी बात ध्यान से सुनो और बीच में मत बोलो। आई हैव टाइम टू थिंक, अब मुझे सोचने का मतलब सोच रहा हूं मैं। योर ऑर्डर्स आर दैट यू आर टू गो टू शिनॉन अंडर द एस्कॉर्ट ऑफ द जेंटलमैन एंड थ्री ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं कि तुझे शिनॉन जाना है, और तुमको एस्कॉर्ट करने का काम, सिक्योरिटी देने का काम ये जेंटलमैन करेगा और उसके तीन दोस्त करेंगे। ओके, मतलब पॉलिंजी और उसके दोस्त। और फिर जॉन कहती है, रेडियंट, एकदम वो खुश हो जाती है, क्लास्पिंग हर हैंड्स, वो शेक हैंड करती है और वो कहती है, ओ थैंक यू स्क्वायर। रॉबर्ट को वो थैंक यू कहती है। पॉलिंजी, हाउ इज शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेजेंस। फिर पॉलिंजी पूछता है, ठीक है यहां से तो वो जाएगी, लेकिन राज दरबार में उसे कैसे एंट्री मिलेगी वहां जाने के बाद? तो रॉबर्ट कहते हैं, आई डोंट नो, वो मुझे पता नहीं है। हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस, वो मेरे सामने कैसे आई थी यहां पे? आई विल सेंड हर टू शिनॉन, मैं उसे शिनॉन भेजने वाला हूं, एंड शी कैन से आई कैन सेंड हर, और वो वहां जाने के बाद ऐसा कह सकती है कि मुझे रॉबर्ट ने यहां पे भेजा है, मतलब मैंने उसे वहां भेजा है, वो मेरा रेफरेंस दे सकती है। देन लेट कम व्हाट मे,
आई कैन डू नो मोर, और फिर जो होगा सो होगा, आई कैन डू नो मोर, इसके अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं। तो जॉन कहती है एंड द ड्रेस, और वो मेरा ड्रेस, आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर, तो मुझे सोल्जर्स का ड्रेस पहनना पड़ेगा स्क्वायर, रॉबर्ट को वो कहती है। तो रॉबर्ट कहता है टेक व्हाट यू प्लीज, तुझे जो अच्छा लगता है तू वो ले ले, एंड आई वॉश माई हैंड्स ऑफ, अब तेरा और मेरा कुछ संबंध नहीं रहा। ओके, वॉश माई हैंड्स ऑफ का मतलब क्या, नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, तेरा मेरा कुछ संबंध नहीं है अभी, इससे मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा इस इंसिडेंट से। तो जॉन वाइल्डली एक्साइटेड बाय हर सक्सेस, वो बहुत खुश हो जाती है, जैसे वो अभी जीत गई है, और वो कहती है कम पॉली, चलो पॉली, और वो वहां से निकल जाती है। रॉबर्ट शेकिंग पॉलिंजी's हैंड्स, पॉलिंजी को शेक हैंड करता है, और पॉलिंजी को कहता है गुड बाय ओल्ड मैन, पॉलिंजी को वो कहते हैं गुड बाय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, देखो मैं बहुत बड़ा, मतलब मैं बहुत बड़ी डेयरिंग कर रहा हूं, बिग चांस ले रहा हूं, फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया था, बट एज यू से, लेकिन पॉलिंजी जैसे तुम कहते हो, जैसे तुम कह रहे थे, तो जैसे तुम कह रहे हो, देर इज समथिंग अबाउट हर, इस लड़की में कुछ ना कुछ तो है। तो पॉलिंजी कहता है यस, हाँ सर, देर इज समथिंग अबाउट हर गुड पार्ट, तो उस लड़की में डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, और गुड बाय कहता है। तो इस तरह से ये जो लेसन है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई अगेन रिपीट, और हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारा जो चैनल है पर्ल ट्यूटोरियल्स नासिक, ये सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, और हमारा ये जो वीडियो है वो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।